वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 10 के दम सीरीज़ में। और हम आज इस सीरीज़ में लेकर के आ रहे हैं मैथमेटिक्स के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और लेते हैं पहला सवाल। उससे पहले मैं बता दूं कि व्यूअर्स, ये जो क्लास आपको दी जा रही है ये जनरल मैथमेटिक्स के ऊपर है, तो ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको हेल्पफुल हो सकता है। और साथ ही साथ यह स्पेशल बिहार पॉलिटेक्निक, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है किसी संख्या को 114 से भाग देने पर, 114 से भाग देने पर 21 शेष बचते हैं, 21 शेष बचते हैं, ठीक है। उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, ठीक है। सवाल एक बार फिर से पढ़ लीजिए और पढ़ करके इसका आंसर बताइए। तब तक मैं ऑप्शन यहाँ पे लिखता हूँ। ए, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है सी 7 और डी है 17। तो चलिए सॉल्व कीजिए इसे। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर, यानी अगर आप 114 से मान लो एक संख्या x है इसमें भाग दे रहे हो, तो नीचे आने पर 21 शेष बच रहा है। अगर इसी संख्या में, यानी अगर इसी x में क्या कर दिया जाए, 19 से भाग दिया जाए, तो शेष क्या बचेगा यहाँ पे, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एक बात बता दूं कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं शेषफल हमेशा ही उससे छोटा होता है, ठीक है। शेषफल 0 से लेकर के इससे छोटा ही होगा, एक अंक छोटा ज़रूर मिलेगा। तो ये एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए तब तक मैं भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 114 से देखो, इस तरह के क्वेश्चंस जब पूछे जाएं कि फलाने से भाग देने पर चिलाना शेष बचता है, फिर डेगाने से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो बड़ा ही आसानी से हम लोग बनाते हैं। बोला 114 से भाग देने पर 21 बचता है, तो 19 से भाग देने पर क्या बचेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले इससे इसमें डिवीजन लगा लेते हैं। अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है तो हम सीधे सीधे इस पर डिवीजन करते हैं। तो ये 19 का टेबल अगर आप कंटिन्यू करोगे, यानी 19 से 114 को देखोगे, तो 19 छक 114 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा कट रहा है। अब ये जो हमें 19 है, उस 19 से हम 21 में डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे जो शेषफल आएगा वही हमारा शेषफल होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब बड़ा ही आसान था और ये है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10 का दम सीरीज आपके लिए रेगुलर बेसिस पर आ रहा है, तो इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को अदर स्टूडेंट तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। और इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग, 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग, 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है, ठीक है, 235 है। इनमें से बीच वाली विषम संख्या, इनमें से बीच वाली विषम, बीच वाली विषम संख्या कौन सी है,
कौन सी है? तो इसके ऑप्शंस हैं 47, 51, 57 एंड डी 61। ठीक है, तो क्या है, पांच क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, इसको कहते हैं विषम संख्या। तो कोई भी पांच क्रमबद्ध विषम संख्या लेना है और उसका योगफल 235 हो, तो उनमें से बीच वाली विषम संख्या क्या होगी, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं, मान करके इसको बनाएंगे। लेट सॉल्यूशन देखें। माना प्रथम संख्या, यानी प्रथम विषम संख्या, प्रथम विषम संख्या अगर हम मानते हैं x, तो इस हिसाब से पांच क्रमबद्ध, इसलिए पांच क्रमबद्ध विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? विषम संख्याएं होंगी, कौन कौन सी होंगी जी? तो देखो कौन कौन सी होगी, एक तो x होगा, दूसरा x प्लस टू होगा। ये प्लस टू क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कितने का अंतर होता है, तो यहाँ पे आपका जवाब आएगा सर दो का अंतर होता है, एक के बाद दो प्लस करेंगे तो तीन, तीन के बाद दो प्लस करेंगे तो पाँच, ऐसे चलता है। तो यहाँ पे भी पाँच गो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। चलिए देखिए, तो ये पाँच हो गए, x, x प्लस टू, x प्लस फोर, सब में दो दो ऐड करके हमने लिख लिया। ठीक है, इसी पैटर्न को देख करके लिखा कि जैसे ये होता है वैसे यहाँ पे भी हुआ, कभी भी कोई भी पांच क्रमबद्ध संख्याएं ली जाएगी विषम संख्या, तो उसमें दो का ही अंतर चलेगा। अब बोला क्या प्रश्न में, बोला क्या कि इन पांचों का योग, प्रश्न से x प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर प्लस एक्स प्लस सिक्स प्लस एक्स प्लस एट, यानी ये जितने भी पांच अंक हैं इन पांचों का योगफल कितना दे रखा है, 235 दे रखा है। तो यहाँ से जोड़ें 1, 2, 3, 4, 5, 5x+ अंकों को जोड़ें, 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20 बराबर 235। तो 5x बराबर 235 माइनस 20, तो 5x बराबर 215, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा अगर आप 5 से इसको डिवाइड कर दोगे तो। चलो, तो हमने पहला पद तो निकाल लिया गया था ना, 43, अगला क्या होगा, 45 होगा, नेक्स्ट क्या होगा, 47 होगा, और नेक्स्ट क्या होगा, 49 होगा, और नेक्स्ट क्या होगा, 51 होगा। तो इसमें मिडिल में, बीच में कौन सा टर्म आता है, x प्लस 4 आता है, तो इसलिए इसके इनमें से बीच वाली विषम संख्या क्या हो जाएगी, 43 में 4 ऐड कर लेंगे तो 47 हो जाएगी। आर यू श्योर? वेरी गुड, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड यह जो क्वेश्चन मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, ये मतलब ये क्वेश्चन जो है एक तरह से एग्जामिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू में रख करके बनाया गया है, यानी आप ये कह सकते हो कि दिस इज़ अ मॉडल क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को ज़रूर आप सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि ये बताएगा आपकी तैयारी का लेवल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों, का योग 110 है, है तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ऐसे ही मॉडल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो मैंने भी क्या किया है, इनको संकलित कर लिया है। तो ये क्या हो गया, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, ये हमें फाइंड करना है। मैं ऑप्शन लिखता हूँ, आप सॉल्यूशन करिए। D5, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस करें आप इस क्वेश्चन को। चलिए, आई होप
कि ये आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, इफ़ नॉट देन गो थ्रू द सॉल्यूशन। तो देखिए, यदि तीन क्रमागत प्राकृत संख्याएं, तो पहले तो लिखा जाए तीन क्रमागत प्राकृत संख्या, लिख लिया जाए तीन क्रमागत प्राकृत संख्या, क्या क्या बताओगे आप? x बताओगे, उसके बाद x प्लस वन बताओगे, उसके बाद x प्लस टू बताओगे, है ना? क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होती है, जो एक एक करके बढ़ती, प्राकृत संख्या एक एक करके बढ़ती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक करके बढ़ रहा है ना, इसलिए हमने लिखा x, x प्लस वन और x प्लस टू। अब बोला क्या प्रश्न में, क्या बोला उसको गौर से देखेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। बोला क्या कि वर्गों का योग यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस वन का स्क्वायर प्लस x प्लस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 110 है। तो यहाँ से हमें x को फाइंड आउट कर लेना है। चलिए देखिए आगे बढ़ाते हैं, x स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करोगे यार, वन का स्क्वायर करोगे तो वन ही मिलेगा, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी करोगे तो 4x आएगा, 2 इंटू ए इंटू बी करोगे तो 4x आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, बराबर 110। अब देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलकर के क्या हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, 2x 4x मिलकर के 6x हो गया, 1 और 4 मिलकर के 5 हो गया, इज इक्वल टू 110। ठीक है, 110 किधर लाते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 110 बराबर 0, यानी 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 105 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तीन यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तीन को बाहर निकाल के हटा दो, x स्क्वायर 3 यहाँ पे बाहर आ गया, प्लस 2x माइनस 3 × 9, 3 × 5, 15 बराबर 0। अब ये तीन जो है ना उस साइड ले जाएंगे तो बाय डिवाइड में जाएगा और जीरो के नीचे जाएगा तो क्या होगा, जीरो ही होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0। अब जो है इसको हमें क्या करना है, फैक्टर तोड़ना है, तो यहाँ पे होगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0। तोड़ दीजिए इसको ज़रा, तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तोड़ने पर यहाँ हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 बराबर 0। सो x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे x प्लस 7 माइनस 5 इंटू x प्लस 7 बराबर 0, सो x प्लस 7 और x माइनस 5 बराबर 0। x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करो, ये गुणनखंड था, बड़ा ही इजी है, गुणनखंड के ऊपर बहुत से प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कशन किया हुआ है, क्वेश्चंस को लिया हुआ है, तो ये बड़ा ही आसानी तरीके से कर लोगे आप। इसकी वैल्यू मिल जाएगी 5 और इसकी वैल्यू एक बार माइनस 7, तो x की वैल्यू 5 भी मिली और माइनस 7 भी मिली। तो हमें आंसर में चूंकि नेगेटिव नहीं दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया है, तो यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 5 होगी। आर यू श्योर? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट से नोट कर लीजिए इसको, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो आप। चलिए, तो चौथा क्वेश्चन है, दो धन पूर्णांकों का अंतर कितना है, 3 है, तथा इनके वर्गों का अंतर कितना है, 33 है। ठीक है, ये पूर्णांक हैं, ये कौन से पूर्णांक हैं हमें फाइंड करना है, जिसमें ऑप्शन है 5 तथा 8, दूसरा ऑप्शन है 6 तथा 9 और तीसरा ऑप्शन है 7 तथा 4 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको भी हमें सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार फिर से
जब किसी क्वेश्चन को बनाने चलिए तो एक बार दो बार तीन बार उसको पढ़िए, खूब अच्छे ढंग से पढ़िए, थोड़ा सा प्रयास करिए, वो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन आप एक बार पढ़ते हो और क्विट कर जाते हो, अरे सर ये क्या कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा, आप उसको रिपीट करो, दो बार तीन बार चार बार पढ़ो। जब क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ोगे ना तो दिमाग जो है ना वो थॉट लगाना स्टार्ट करते, तो प्रोसेसिंग थोड़ी सी लेट चलती है लेकिन होता ज़रूर है। तो चलो यहाँ पे करते हैं, दो धन पूर्णांकों का अंतर इतना है। तो मान लो कि दो धन पूर्णांक एक ए है और एक बी है, और इन दोनों का अंतर क्या दे रखा है, तीन दे रखा है। मैंने मान लिया कि एक धन पूर्णांक ए है और दूसरा बी है, इन दोनों का अंतर तीन है, और इनके वर्गों का अंतर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर कोई कर दे तो कितना आ जाता है, 33 आ जाता है। अब समझो यहाँ से हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 33 लिखेंगे ना, क्योंकि इसी की वैल्यू ये लिखी हुई है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अलजेब्रा के अंदर। अब इसका मान यहाँ से ला के रख दो तो हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी बराबर कितना, 33 होगा। आर यू श्योर? सो 3 से कैंसिल करोगे तो ए प्लस बी की वैल्यू कितना मिलेगा, 11। क्यों? क्योंकि 3 से 33 कैंसिल होगा तो 11 हो जाएगा। अब गौर से देखो, ये है तुम्हारा इक्वेशन 1 और ये है तुम्हारा इक्वेशन 2। नाउ गोइंग टू ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2, हम इस इक्वेशन को जोड़ने जा रहे हैं क्योंकि माइनस बी और प्लस बी एक दूसरे को क्या कर लेगा, कैंसिल कर लेगा। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, एक और दो को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ए और ए मिल करके 2a और ये मिल करके 14, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 7। अगर ए निकल गया तो बी भी निकल जाएगा, किसी भी समीकरण में मान रख दो, तो चूंकि 7 वाला ऑप्शन यही है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी बेसिक से लेकर के एक अच्छे लेवल तक का क्वेश्चन मैं इन 10 क्वेश्चंस में लेकर के आता हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन और भी मजबूत होती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 3:4:6 है, तथा इनका गुणनफल माने आपस में इनको अगर तीनों को गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल 1944 आता है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो वैसे तो आप लोगों को यहाँ से सोच लेना चाहिए कि अनुपात में जो बड़ा होगा वही सबसे बड़ा रिजल्ट देगा। तो चलिए देखते हैं, 6, 12, 18 और नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सवाल एक बार फिर से पढ़ लीजिए, 3 संख्याओं का अनुपात कितना है, 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है, तो मान लेंगे, माना अनुपात बराबर क्या, x। तो उस हिसाब से संख्याएं क्या बन जाएंगी, 3x, 4x और 6x, यही बनेंगी ना, 3, 4 और 6 का अनुपात है तो संख्याएं बन जाएंगी 3x, 4x और 6x। प्रश्न से बोला है कि तीनों को गुणा करने पर 3x × 4x × 6x = 1944 है, बस इसे सिंप्लीफाई कर देना है, 3, 4 और 6 से ले जाकर के उधर डिवाइड कर दो, एक्स 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 मिल करके एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में हैं तो इसके नीचे जा करके सब क्या हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे। अब अगर आपसे कैंसिल हो रहा है इसको तो कर लो कैंसिल, 3 से कटाओ 3 6 18 3 4 12 3 8 24, 4 से कटा दिया जाए तो 4 से जब इसको कटाएंगे तो मिलेगा 4 6 24 4 2 8, फिर 6 से कट पाएगा क्या, कट जाएगा बिल्कुल भी, 6 2 12 और 6 7 42 27 बार में, सो x³ =
27, तो x बराबर कितना 3 होगा। ये कैसे हो गया सर, कैसे कर दिया हमने, 3 को जब उधर भेजेंगे तो 27 का होगा घनमूल, और घनमूल कितना होता है 3 होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, लेकिन सवाल में x नहीं पूछा है, बोला सबसे बड़ी संख्या निकालो, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 6x होगी। तो सबसे बड़ी संख्या, चुटकियों के सवाल हैं ये सब, 6x होगी, यानी 6 × 3 यानी 18 होगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें पूछ लिया होता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या 3×3 = 9 होगी। पूछ देता कि औसत क्या होगा, तो सब निकल सकता है, बड़े आसानी से निकल सकता है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोलता है, 3 संख्याओं का योग 102 है, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 102 है। पता नहीं वे कौन कौन सी संख्याएं हैं, लेकिन उनको जोड़ने पर 102 आता है। यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात 2:3 हो, तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं का अनुपात 5:3 हो। बड़ा अच्छा सवाल है, तो द्वितीय संख्या कौन सी होगी, चलिए सॉल्व कीजिए। तो द्वितीय संख्या कौन सी होगी, ठीक है, चलो सॉल्व करो। ऑप्शन है इसका 30, बी ऑप्शन है 48, सी ऑप्शन है 58, और एक और ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार ठीक ढंग से पढ़ो फिर बनाओ। चलो मैं भी थोड़ा सा हेल्प करता हूँ, अगर इसमें आपको किसी तरह की कोई इशू क्रिएट हो रही है। देखो 3 संख्याएं हैं, यानी ए है, बी है और सी है, ए है, बी है और सी है, इन तीनों को जोड़ने पर 102 आता है, ये प्रश्न में ऑलरेडी बोला हुआ है, और साथ ही साथ ये दिया है कि ए और बी का अनुपात जो है वो कितना है, 2:3 है, और इसके साथ साथ तथा बी और सी का अनुपात कितना है, 5:3 है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बाई बी बराबर 2/3, कैन आई राइट इट, यस एब्सोल्युटली राइट। अब यहाँ से हम अगर b निकालना चाहें तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो b को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर करके जब इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3/2a, कितना हो जाएगा 3/2a। आई होप कि आप इस बात को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद केवल b निकालेंगे एंड यू विल बी सक्सीड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी लिख सकते हैं बी बाई सी बराबर 5/3, तो यहाँ से मुझे बता दो जरा c की वैल्यू क्या होगी, तो c की वैल्यू होगी 3/5 × b, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ये जो दिया हुआ है इस इन्फॉर्मेशन से हम लोग चलते हैं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 102 है, a को ऐसे ही रहने देते हैं और b को हम यूज़ कर रहे हैं, b को यूज़ करेंगे 3/2a, प्लस c को कैसे यूज़ करोगे, आप लिखोगे 3/5b, राइट 3/5b, फिर b को एक बार फिर रिप्लेस करो, यार b को हटाओ जरा, किससे हटेगा b, यहां से हट जाएगा सर, 3/2a = 102। अब ये वैल्यू हो जाएगा कितना, a प्लस 3a/2 प्लस 9/10a = 102। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे एलसीएम लेना है, 10, 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा,
हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10a आएगा यहाँ पे, प्लस कितना हो जाएगा ये 2 5 3 15a, प्लस 10 से 10 कट गया तो 9a, बराबर कितना यहाँ पे दे रहा है 102, तो 102 लेके चलो। ये 10 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको जोड़ लो, 10 15 25 25 और 9 34, 34a इज इक्वल टू 102 गुणा यानी 1020, जीरो उधर लेके चले गए, 10 उधर लेके गुणा करा दिए, तो a का मान क्या होगा 1020 बटा 34, कैंसिल करिए आएगा 30, ये हुआ a, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, द्वितीय संख्या यानी कि दूसरी वाली क्या होगी, तो दूसरी वाली संख्या यहाँ से निकाल लो, इसलिए b बराबर क्या लिखा है 3/2a, तो 3/2 into a 30 कैंसिल हो गया, 15 3 45 होगा हमारा आंसर। तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था और ये आपको बनाने में थोड़ा बहुत परेशान किया होगा, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट इसको सॉल्व कर चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वीडियो पॉज करके आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो सातवां प्रश्न है, और स्टूडेंट्स ऐसा कि आप जान रहे हो कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सो हमेशा आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमें भी अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करने का जो जुनून है वो अपने अंदर लाना चाहिए और पूरा मेहनत करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई करें ताकि हमें एक अच्छा कॉलेज और अच्छा ब्रांच मिल सके। कभी भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पॉलिटेक्निक जो बिहार के अंदर हैं वो बेस्ट हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर बेस्ट हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, एनवायरनमेंट, लाइब्रेरी, प्लेसमेंट्स, मैनी मोर क्राइटेरिया के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप इस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं और ये कॉलेजेस आप एडमिशन ले पाते हो, उसमें अचीव करते हो सक्सेस, तो आपके लिए वो हेल्पफुल होगा और वो करियर के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। चलिए तब तक अभी देखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो सेशन में ओपनली टॉक करेंगे आपसे और बताएंगे आपको। तब तक हमारा एक ही काम है, आंख बंद करके एकदम पूरे भिड़ जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को तो एटलीस्ट एकदम चटनी बना देना, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को एकदम शुरू से लेकर अंत तक पूरा 2-3 बार रिवाइज कर देना है, ठीक है। चलो देखो एक बार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल, योगफल तथा गुणनफल। वैसे स्टूडेंट जो पिछली बार भी तैयारी किए होंगे और वो किसी कारणवश से वो उनको एडमिशन नहीं मिल पाया, उनकी रैंक थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं हो पाई, तो उन्हें अगर ये वीडियो वो देख रहे होंगे तो उन्हें पता चल रहा होगा कि द क्वालिटी ऑफ द थिंग विच आई एम गिविंग टू यू, जो मैं आपको दे रहा हूँ वो लगभग एग्जामिनेशन के लेवल पर उस पैटर्न पर ही है। सो स्टूडेंट्स बिलीव मी कि आप हमारे साथ जुड़े रहोगे, आपको रेगुलरली 10 का दम सीरीज चलता रहेगा और इसमें आपको वीडियो मिलती रहेगी। अभी तो मैथमेटिक्स चल रहा है, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी एंड एनी मैनी मोर थिंग्स आने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स आपका काम है कि हमारे इस इन्फॉर्मेशन को अदर स्टूडेंट तक शेयर करना और उन तक ये मैसेज पहुंचाना एंड उनसे कहना कि इसको वो अपने फ्रेंड सर्कल तक इसको क्या करें, शेयर करते रहें। चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल कितना है, क्रमशः 11 तथा 18 है, क्रमशः 11 तथा 18 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रम, इन संख्याओं के व्युत्क्रम, जस्ट वन मिनट, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा, का योगफल कितना होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखिए ऑप्शंस मैं दे देता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करो। वेरी गुड, वेरी गुड।
कुछ लोग तो मेरे क्वेश्चन लिखा नहीं कि वो तुरंत लग जाते हैं, और यही वो सही तरीका है पढ़ाई करने का कि जब तक आप कॉपी किताब लेकर के नहीं बैठेंगे आपको कुछ भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो बस कोई टीचर है जो खड़ा होकर के क्वेश्चन लिख रहा है बता रहा है, बस आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप पेन एंड पेपर के साथ बैठोगे और उसे सॉल्व करोगे, आपके अंदर तभी जुनून आ सकता है। तो चलो देखो है ना, इसको सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का योगफल, तो ये मान लेता हूँ मैं दो संख्याएं मेरी ए और बी है, इनको जोड़ने पर मिलता है 11 और इनको गुणा करने पर मिलता है 18। ये बोला है क्रमशः 11 और 18 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रम, तो हमें 1/a + 1/b की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको बस प्रश्न जो सब पूछा है वैसा हम कर देते हैं। इतना बराबर a और b यहाँ पे हो जाएगा, तो b + a यहाँ हो जाएगा। अब a प्लस बी का मान कितना है, 11 है, और ए बी का मान कितना है, 18 है, तो आंसर हो गया। वाह, ये तो बड़ा क्विकली बन गया। हाँ, बहुत इजी था, इजी क्वेश्चंस अगर होते हैं तो उसको हम लोग इजी तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 11/18, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से, जल्दी से नोट करो, अगला सवाल नोट करो और अगले सवाल को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों, एक द्विअंकीय संख्या, द्विअंकीय संख्या मतलब दो अंकों की संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर, के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है, मूल संख्या से 27 कम है। ठीक है, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। संख्या के अंक 1 और 2 के अनुपात में हों, संख्या के अंक 1 और 2 के अनुपात में हो तो मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या क्या है। ठीक है, फाइनली कुछ आंसर, पहला ऑप्शन है 36, दूसरा है 63 और तीसरा है 48 और चौथा है 73। ठीक है, सवाल पढ़ लो एक बार फिर से और उसको समझ करके बनाओ। एक दो अंकों की संख्या के दोनों अंकों के स्थान, क्योंकि आप जानते हो कि दो अंकों की जो संख्या होती है उसमें यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस होता है, इकाई का अंक और दहाई का अंक होता है, तो बोल रहा है कि इनको परस्पर बदल दिया जाए, यानी ये यहाँ कर दिया जाए और ये यहाँ कर दिया जाए, तो प्राप्त जो संख्या हो रही है वो पहले की संख्या से 27 को कम पड़ जा रही है। इसमें एक और बात बोला है कि संख्या के अंक 1 और 2 के अनुपात में हैं, यही सबसे बड़ी बात है कि अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 2 होगा तो ये 4 होगा, ये 4 होगा तो ये 8 होगा। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि ये 4 हो तो ये 8 हो, ये 2 हो तो ये 4 हो, मतलब ऐसे होगा, लेकिन यहाँ बोल नहीं रखा है कि ये इकाई और दहाई के लिए है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, है ना। मान लेते हैं कि अनुपात क्या है, माना अनुपात x है, अनुपात क्या है, x है, तो इकाई का अंक हम किसको बोल दें, बोलो, इकाई का अंक हम मान लेते हैं x और दहाई का अंक ले लेते हैं 2x। ऐसा क्यों, 2x ही क्यों लेंगे, 3x क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि अनुपात इनके बीच का 1 और 2 रखना है। ठीक है, तो इनसे बनी संख्या क्या होगी, बनी संख्या क्या होगी जी, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था ये क्वेश्चन इस तरह से, लगभग दहाई में 10 से गुणा और इकाई में 1 से गुणा करके जोड़ दिया जाता है, तो 10 × 2x + 1 × 2x ये वैल्यू दे देगा 21x, राइट, 21x। अब हम लोग क्या करने वाले हैं,
बोला है कि अंकों का स्थान बदलने पर, यानी इसके स्थान को क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, स्थान परिवर्तन करने पर के बाद इकाई का अंक क्या हो गया, 2x हो गया, और दहाई का अंक क्या हो गया, x हो गया। तो नई संख्या क्या होगी, वो हो जाएगी 10 × x + 1 × 2x, यानी 12x, यही होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो बोला है कि नई जो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है, इस बात को पकड़ के हम लोग लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रश्न से क्या प्रश्न से लिखेंगे, मूल संख्या क्या है, 21x है, और प्राप्त संख्या क्या है, 12x है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 27 कम है, ये यानी ये वाला 27 को कम है, तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो तो 27 आना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 9x = 27, तो x = 3, x का मान निकला है, लेकिन सवाल में पूछ रहा है मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या तो यहाँ 21x है, इसलिए मूल संख्या क्या होगी, = 21 × 3, यानी 63 होगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, एकदम जुड़े रहिए, और इसको वीडियो जो भी आपको मिल रहा है उस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, खूब शेयर कीजिए, खूब स्टूडेंट्स को बताइए, सबके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से तिगुनी है, ठीक है, इस संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं, यह संख्या क्या है, और इसके ऑप्शंस हैं 23, 27, 32 और 72, 32 और 72, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, दो अंकों की संख्या तो उसमें यूनिट प्लेस टेंस प्लेस होगा, यानी माना इसको हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रोसेस से बनाता हूं। इकाई का अंक x हो गया और दहाई का अंक y हो गया, x हो गया और y हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से तीन गुनी है, तो अंकों का योगफल क्या होगा, अंकों का योगफल यानी x + y होगा, ठीक है, और बनी संख्या क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं कि दहाई में 10 से गुणा और इकाई में 1 से गुणा करने से संख्या बन जाती है दो अंक की। अब ये संख्या बनी, लेकिन प्रश्न में ये बात बोल के रखा है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से तीन गुना है, यानी इससे ये तीन गुना है, प्रश्न से कि ये 10y + x जो है वो तीन गुना है x + y से, x + y यानी अंकों के योग से तीन गुना है ये। इस संख्या में 45 जोड़ने पर, चलो ठीक है ओके, तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x + 3y, ठीक है। इस संख्या में 45 जोड़ने पर, यानी जो संख्या आपके पास है उसमें 45 अगर आप ऐड करते हो तो इसके अंक बदल जाते हैं। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10y - 3y = 3x - x, ये दे देगा 7y = 2x, ठीक है। आई विल यूज इट, मैं आगे यूज़ करूँगा। बोला है प्रश्न में क्या, देखो इसमें बोला है सवाल में कि 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट रहे हैं, तो 45 जोड़ दो और अंक पलट दो, तो अंकों के स्थान परिवर्तन पर, अंकों के स्थान परिवर्तन करने पर क्या हो रहा है भाई, इकाई का अंक क्या बनेगा,
इकाई का अंक बनेगा वाई और दहाई का अंक बनेगा एक्स। ठीक है, इकाई का अंक वाई और दहाई का अंक बनेगा एक्स। तो बनी संख्या क्या होगी, वो होगी टेन एक्स प्लस वाई। और ये बात बोल रखा है कि अगर आप इस वाली संख्या में जो ये वाला था इसमें अगर 45 जोड़ोगे तो इसके अंक पलट जाएंगे और ये संख्या बन जाएगी। तो टेन वाई प्लस एक्स प्लस 45 बराबर क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। प्रश्न से ऐसी बात प्रश्न में बोली गई है, क्वेश्चन में बोला गया है प्रश्न से। ठीक है, वाई और एक्स को हम लोग अगर एक तरफ करें तो ये वैल्यू हो जाएगा टेन वाई प्लस एक्स माइनस टेन एक्स माइनस वाई बराबर माइनस 45। ये उधर में रख दिया, टेन वाई माइनस वाई नाइन वाई माइनस नाइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 45, यानी वाई माइनस एक्स बराबर माइनस 5। हाउ कैन वी से दैट, 9 कॉमन लेकर के कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से एक्स का मान अगर या वाई का मान किसी का भी पुट कर दोगे तो वाई इज इक्वल टू क्या रखोगे आप, 2/7x रखोगे। तो यहाँ पे ले आगे रख दो 2/7x माइनस एक्स बराबर माइनस 5। इसके नीचे ये है, एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम लेने पे क्या आएगा, 7 आएगा और ये वैल्यू हो जाएगा 2x माइनस 7x बराबर माइनस 5। यहाँ से क्या हो जाएगा कैलकुलेशन, माइनस 5x बाई 7 इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 5 भी कट जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा कितना, 7। x बराबर क्या आएगा, 7 आएगा। तो x की वैल्यू अगर 7 हो गई तो y की वैल्यू कितनी होगी, इसको कैसे निकाल लोगे, यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, तो इसलिए y की इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, अगर y का मान 2/7x के बराबर है और 7 का x का मान हमें पता है तो इसको कैंसिल कर दो, 2 हो जाएगा। तो इकाई का अंक क्या बना, इकाई का अंक बना 7 और दहाई का अंक क्या बना, 2। तो ये संख्या क्या बनेगी, 27। क्या बनेगी, 27 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, और अब हम लोग आ गए हैं 10 कदम सीरीज के अंतिम क्वेश्चन पर। तो अंतिम सवाल बहुत ही आसान है जिसको आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आप लोग रेडी हैं विथ पेन एंड पेपर और इसे जैसे ही मैं लिखूंगा आप इसे तुरंत सॉल्व कर लोगे, और जिनसे नहीं सॉल्व होगा तो फिर मैं सॉल्यूशन करूंगा ही। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक संख्या के 3/4, एक संख्या के 3/4 का 1/3 का 1/3 30 है। ठीक है, संख्या क्या है, वाह बहुत आसान है सर, संख्या क्या है, चलो मैं ऑप्शन लिखता हूँ, 90, 80, 150 और डी क्या है, 60। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक संख्या मान लीजिए x और उसका करना है 3/4, तो 3/4, और इसका करना है 1/3, यानी इसका 1/3 करने पर कितना आता है, 30 आता है। बस वेरी सिंपल, अब इसको सॉल्व कर लो, 3 से 3 कट जाएगा, ब्रैकेट का तो कोई वैल्यू ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, सो ये हो जाएगा एक्स वाई 4 इज इक्वल टू कितना, एक संख्या के 3/4, तो मैंने कर दिया 3/4 का 1/3 30 है, 3/4 का 1/3 30 है, तो संख्या क्या होगी इसमें, तो ये तो यही होगा x बराबर 30 × 4, ये तो 120 आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 120 नहीं है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या ये 120 सही है, मुझे लगता है 120 सही है, ऑप्शन इनकरेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ पे आज के सेशन में इतना ही करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर से नए 10 सवाल के साथ, और बने रहिए एनर्जेटिक और लगे रहिए अपनी तैयारी में मजबूती से, हम आपकी तैयारी में हेल्प कर रहे हैं और आपका काम है हमारे इस वीडियो को
मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करना, ताकि हर किसी को ये इन्फॉर्मेशन मिले और उनकी तैयारी अच्छी हो सके। चलिए, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।